दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी शाहीनबागच्या धर्तीवर वंचित बहुजन आघाडीच्या पुढाकारातून सर्व जिल्ह्यात किसान बाग आंदोलनाचे आयोजन करण्यात येत आहे. या बाबतीत वंचित बहुजन आघाडीच्या मुस्लिम पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या वतीनं राष्ट्रीय अध्यक्ष ऍडव्होकेट प्रकाश आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आंबेडकर भवन मुंबई येथे किसान बाग संदर्भात बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत किसान बागचे दिशादशा ठरवून निर्णय घेण्यात आले. याआधीही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत 17 डिसेंबर रोजी राज्यभर वंचित बहुजन आघाडीचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून दिल्ली येथील शेतकऱ्यांनी याचे जाहीर पाठिंबा दर्शवला होता. तरी देखील केंद्र सरकारला जाग येत नसल्यानं वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं किसान बाग आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या 27 जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय पूनम गेट येथे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं किसान बाग आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आलं आहे. या आंदोलनाला ताज सोशल ग्रुपचे संस्थापक तथा नगरसेवक तौफिक शेख यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. शहरामध्ये जे ताज सोशल ग्रुपच्या माध्यमातून जे सामाजिक कार्य करणारे नगरसेवक तौफिक भाई शेख यांच्याकडे आम्ही जे किसान बाग आंदोलन आहे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रामध्ये 13 तारखेला सर्व मुस्लिम संघटना जे सामाजिक संघटना काम करतात सर्व मुस्लिम संघटनांना घेऊन जे दिल्लीमध्ये गेल्या 60 ते 65 दिवसापासून जे आंदोलन चालू आहे जे शेतकऱ्याचं 3 कायदे आहेत जे मोदी सरकारने केलेले हे 3 कायदे जोपर्यंत वापस घेत नाहीत तोपर्यंत शेतकरी आंदोलन करणार हे निर्धार शेतकऱ्यांनी केल्यामुळे शेतकऱ्याला पाठिंबा देण्याच्या दृष्टिकोनातून जी एक वर्षापूर्वी CA NRC या कायद्याबद्दल संपूर्ण देशभरामध्ये एक मोठ्या प्रमाणामध्ये मुस्लिम समाजाने आंदोलन केलं होतं त्या मुस्लिम बांधवांनासुद्धा ह्या शेतकऱ्यांनी शाहीनबाग जी दिल्ली या ठिकाणी शाहीनबागच्या माध्यमातून जे आंदोलन झालं होतं त्यावेळेला ह्या शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिला होता. आज 30 शेतकरी रस्त्यावर उतरलेले आहेत म्हणून त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या पुढाकारातून मुस्लिम समाजाला एकत्रित करून जे किसान बाग आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात येणार आहे आणि ताज सोशल ग्रुपच्या माध्यमातून आम्ही तौफिक भाई शेख यांना विनंती केलेली आहे की बाबा तुम्ही या आंदोलनामध्ये सहभागी होऊन आपल्या ताज सोशल ग्रुपच्या माध्यमातून पाठिंबा देऊन याच्यामध्ये संपूर्ण शहर सोलापूर शहर जिल्ह्यातला जो मुस्लिम समाज ताज सोशल ग्रुपच्या माध्यमातून तौफिक भाई यांचं कार्याची पावती फार मोठी आहे तर त्यांनी समाजाला आव्हान करावं हीच आम्ही वंचित बहुजन आघाडीचे शिष्टमंडळ आमचे जिल्हाध्यक्ष नाना कदम नगरसेवक गणेश पुजारी अनिरुद्ध वाघमारे चाचा सोनोने त्या शिष्टमंडळामधून आम्ही चर्चा झालेली आहे आणि त्यांनी आम्हाला या आंदोलनाला ताज सोशल ग्रुपच्या माध्यमातून आम्हाला जाहीर पाठिंबा दिल्याबद्दल मी त्यांचं वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने प्रकाश आंबेडकर साहेब यांच्या वतीने सुद्धा मी त्यांचं या ठिकाणी जाहीर आभार मानतो. शहर में किसान बाग आंदोलन 27 तारीख को होने जा रहा है. इस किसान बाग का आंदोलन के जो नियोजक है संयोजक है हमारे सोलापुर शहर के हमारे दोस्त हमारे साथी नगर सेवक आनंद चंदन शिवे नगर सेवक पुजारी नाना कदम और उनके सभी पदाधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह पूरे भारत देश में NRC CA का जब मसला उठा था उस वक्त पूरे दिल्ली में और हमारे सोलापुर शहर में शाहीनबाग का मसला हुआ था और हमारे माँ बहने यहाँ पर आकर आंदोलन जो शुरू किए थे उस आंदोलन को दिल्ली के अंदर किसान भाइयों ने जो पाठिंबा दिया मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ. उसी तरह आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब भी हमें पाठिंबा दिए थे तो आज किसान भाइयों का एक तड़प एक ऐसा तरह कर आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने एक आंदोलन छेड़ा है किसान बाग के नाम पर वो सोलापुर शहर में होने जा रहा है. मैं ताज सोशल ग्रुप के अध्यक्ष के नाते और तमाम सोलापुर शहर में रहने वाले तमाम मुस्लिम सामाजिक संगठन जितने भी हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा आह्वान करूँगा कि आप भी 27 तारीख को जिला परिषद के पास पूनम गेट के पास आकर हमारे बहुजन वंचित आघाड़ी के पदाधिकारियों को नगर सेवक को पाठिंबा देना बहुत जरूरी है अहम है क्योंकि आपको मालूम है भारत देश में सरकार किसकी है सत्ता किसकी है किस तरह गरीबों को मुसलमानों को दलित समाज को पिछड़े हुए समाज को दबाने कुचलने का जो काम जो सरकार कर रही है वो आप सब लोग को मालूम है. इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने ये आंदोलन छेड़ा है तो मैं फिर से एक बार
टास्क फोर्स ग्रुप की जानिब से हमारा इंशाल्लाह जहर पाटेमा रहेगा और हमारे जितने भी टास्क फोर्स ग्रुप के शहर जिले के पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, जिम्मेदार लोग है, उनसे गुजारिश करूंगा 27 तारीख को हमें एक होना बहुत जरूरी है। एक ही इतिहास में बहुत बड़ी ताकत है, मोहब्बत होती है, इसलिए 27 तारीख को हम वहाँ पर जमा हुएंगे और बहुजन वंचित आघाड़ी के पदाधिकारियों को नगरों को इंशाल्लाह पाटिमा देंगे। उसी के साथ साथ सोलापुर शहर जिले में तमाम मुस्लिम समाज के जो सामाजिक संगठन है उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आप भी 27 तारीख को अपने कीमती वक्त निकालकर हमें पाटिमा देना बहुत जरूरी है और इंशाल्लाह पाटिमा देंगे और ये आंदोलन जो है पूरे महाराष्ट्र राज्य में चलने वाला है। तो जब तक सरकार जागी नहीं होती हमें आंदोलन ऐसे करना पड़ता है। अगर ये आंदोलन में इंशाल्लाह हम कामयाब हुएंगे, सक्सेस हुएंगे, तो एनआरसी सीए का जो मुद्दा है इंशाल्लाह वो भी हल हुएंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। और आपके से आंदोलन के जिन्होंने हमारे यहाँ पर आकर जो रिक्वेस्ट की, विनंती की, मैं विनंती को मान देते हुए मैंने वादा करूँगा कि टास्क फोर्स ग्रुप तो इंशाल्लाह आपके साथ है, साथ रहेंगे हमेशा। उसके साथ साथ हमारे शहर जिले के लोग भी, मुस्लिम समाज के लोग भी इंशाल्लाह आपको पाटियाबंदी के, मैं ऐसे दादा को वादा करता हूँ बस। और इंशाल्लाह ये हम काम पूरा करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।